Hello students, in the last video, we have studied about the discrete time convolution. Now, in this video, we will study about continuous time convolution, or you can say continuous time LTI system. Okay, so continuous time convolution, jo hum study karenge is video mein, jaisa humne discrete time study kiya tha, bahut sare types ke question humne liye the, same aap continuous pe bhi karoge, lekin continuous mein आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होती हैं कंटीन्यूअस में एक ये एक एडवांटेज भी है आपके पास कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का यूज करके कॉन्वोल्यूशन बहुत इजी हो जाता है आपके लिए ओके तो यहां पर जो हमारा मेन फोकस रहेगा कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन में वो आपका रहेगा प्रॉपर्टीज के ऊपर कि हम प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ओके तो यहां पर मैं आपके लिए कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन में आउटपुट का फॉर्मूला वापस से लिख देता हूं ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है ये तो yt कितना होता है रिस्पांस आपका माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x tau h ऑफ t माइनस tau d tau और यू कैन आल्सो राइट माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x ऑफ t माइनस tau h tau d tau ओके ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है Now, यहां पर जो हमारा मेन फोकस होगा वो प्रॉपर्टीज पर होगा जैसे मैंने अभी आपको बोला है ओके तो मैं यहां पर वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लूंगा और उस प्रॉपर्टी पर जितने डीप में जाकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे ठीक है ना जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सिग्नल सिस्टम एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको जो कंसेप्ट समझने हैं वो आप वाया न्यूमेरिकल ही समझ पाएंगे ओके तो यहां पर जो प्रॉपर्टी नंबर वन हमें पढ़नी है कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन में ओके वो पढ़नी है आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ओके तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन ठीक है बेसिकली यहां पर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आपकी है क्या ध्यान से समझने की कोशिश करिए जैसे कि आपको पता है कि वाई टी जो है वो है आपका एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी ये हमें नॉलेज है ऑलरेडी ओके तो यहां पर अगर मैं yt का डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये हो जाएगा dyt / dt तो आपका यहां पर भी xt या ht में से कोई एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा या आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर आपने xt या ht में से किसी एक का डिफरेंशिएशन कर दिया तो yt भी आपका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर आप xt और ht दोनों का एक एक बार कर दें तो yt जो है आपका वो दो बार हो जाएगा ओके आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं d स्क्वायर yt अपॉन dt स्क्वायर क्लियर है अच्छे से नाउ इसका मीनिंग क्या है जितनी बार डिफरेंशिएशन के साइन आपको राइट हैंड साइड में दिखेंगे उतने ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में करने हैं ठीक है दैट इज अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में इस प्रॉपर्टी को आपको रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा d ऑफ m प्लस n yt डिवाइडेड बाय dt m प्लस n ओके इक्वल टू हो जाएगा आपका dm xt डिवाइडेड बाय dt की पावर m कॉन्वॉल्व विथ dn ht डिवाइडेड बाय dt की पावर n ओके मतलब यहां पर अगर आपने m टाइम्स एंड n टाइम डिफरेंशिएशन किया है तो यहां पर आपका हो जाएगा m प्लस n टाइम्स क्लियर है अच्छे से तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कुछ टाइप के क्वेश्चन स्टडी करेंगे ठीक है तो यहां पर आप देखिए मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि कहां पर ये प्रॉपर्टी आपकी यूजफुल होगी जैसा मैंने आपको कहा कि कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन में आप बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी कब यूजफुल होगी ये आपको समझना बहुत जरूरी है जैसे मान लीजिए आपको xt गिवन है यहां पर ut और ht भी गिवन है आपको ut ओके तो यहां पर आपको समझना होगा कि क्या डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूजफुल होगी एक बार हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं अभी हमें पता नहीं है यूजफुल होगी कि नहीं होगी अप्लाई कर लेते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूं yt हमें पता है क्या है ut कॉन्वॉल्व विथ ut है ठीक है ना xt कॉन्वॉल्व विथ ht है तो
तो यहां पर अगर मैं किसी एक को डिफरेंशिएशन कर दूं xt या ht में से, तो ये मान लीजिए मैंने xt को किया तो वो डेल्टा t हो गया, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा dyt by dt। हमें पता है ut का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा t होता है। स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंपल्स होता है। नाउ हमने डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन में भी ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड की थी, और मैं आपको वापस से बता रहा हूं कि इंपल्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको यहां पर इंपल्स प्रॉपर्टी बता दूं, ठीक है ना, इंपल्स की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर किसी भी सिग्नल को आप इंपल्स के साथ कॉन्वॉल्व करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है आपका, वो सिग्नल ही आ जाता है। अगर आप मान लीजिए xt को कॉन्वॉल्व कर रहे हैं डेल्टा t माइनस t1 के साथ, तो आंसर आ जाएगा xt माइनस t1, मतलब जो टोटल शिफ्टिंग होगी वो आ जाएगी। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। मान लीजिए आप xt माइनस t1 को कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं डेल्टा t माइनस t2 के साथ, तो क्या हो जाएगा x t माइनस t1 माइनस t2, ठीक है ना, टोटल शिफ्टिंग आपकी आ जाएगी आंसर में। बट आंसर में xt ही आएगा, ठीक है ना। अगर xt को कॉन्वोल्यूशन डेल्टा t के साथ कर रहे हैं तो ऑलवेज आंसर आपका xt ही होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब आप यहां पर dyt by dt equal to डेल्टा t convolved with ut करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, ठीक है ना, कोई शिफ्टिंग है नहीं, तो आंसर बन जाएगा ut। और हमें पता है कि हमारे पास dyt by dt है, हमें चाहिए क्या, yt चाहिए, तो हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होगा, तो yt की वैल्यू हो जाएगी आपकी, आपको निकालना क्या है, yt मतलब अप टू टाइम t, तो अपर लिमिट क्या होगी, t ut dt। तो ut का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, rt रैंप। तो इस तरीके से आपका जो yt आंसर है वो रैंप आ गया, मतलब जब भी आप ut कॉन्वोल्यूशन विद ut करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा रैंप सिग्नल rt, ओके। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो ऑलवेज माइनस इनफिनाइट टू t रहेगी, जब भी आप dyt by dt से yt कैलकुलेट करेंगे। अपर लिमिट t क्यों है आपकी, क्योंकि आप अप टू t टाइम तक कैलकुलेट कर रहे हैं, yt कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, फिर दो एग्जांपल के बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए यूजफुल क्यों है या यूजफुल नहीं है, ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। सपोज करिए xt है आपका e की पावर माइनस t ut और ht है आपका ut। अब आपको yt परफॉर्म करना है जो कि होगा e की पावर माइनस t ut convolved with ut। अब अगर मैं यहां पर ht को डिफरेंशिएट कर दूं तो आपका yt भी डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, तो जो ht है वो ut है, ut का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा t। और अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डेल्टा t को किसी के साथ भी कॉन्वॉल्व किया जाए, मतलब अगर डेल्टा t को अगर ht के साथ कॉन्वॉल्व किया जाए तो आंसर हमेशा ht होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस t ut, ओके। अब अगर मुझे yt कैलकुलेट करना है तो मुझे लिमिट लेनी होगी माइनस इनफिनाइट से t और e की पावर माइनस t ut dt, ओके। अब आप देखिए यहां पर ut प्रेजेंट है, मतलब लोअर लिमिट आपको पता चल गई, लोअर लिमिट आपकी जीरो होगी, तो yt का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो से t e की पावर माइनस t dt। ut का काम फिनिश हो गया ना, आपने लिमिट पुट कर दी, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय माइनस वन, लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से t, ओके। ये है आपका yt, तो yt अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा वन माइनस e की पावर माइनस t, ओके। और आप यहां देख सकते हैं कि जो आपने yt कैलकुलेशन किया है उसके लिए लोअर लिमिट आपकी जीरो से स्टार्ट थी, इसका मतलब ये आंसर जो होगा हमेशा पॉजिटिव साइड होगा ut,
ठीक है ना, देख लीजिए लोअर लिमिट आपकी जीरो से थी, दैट मींस नेगेटिव साइड आपका आंसर नहीं है, दैट मींस आप शो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूटी के साथ, क्लियर है अच्छे से। तो ये जो हमने दो न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड किए हैं अभी, उससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से हमें सॉल्व करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? तो अगर आप देखें दोनों क्वेश्चन को ध्यान से, तो आप देखिए दोनों क्वेश्चन में कोई ना कोई एक फंक्शन आपका यूटी था, और आपने जब यूटी को डिफरेंशिएशन किया तो आपको डेल्टा टी मिल गया। और डेल्टा टी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डेल्टा टी कॉन्वॉल्व विथ एक्सटी ऑलवेज आपका एक्सटी होता है, मतलब जब भी किसी सिग्नल को डेल्टा टी के साथ कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो आपका कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बच जाता है, क्योंकि आंसर आपको डायरेक्टली पता होता है। तो इसलिए इन दो क्वेश्चन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आपका एक फंक्शन यूटी हो, देन ऑलवेज गो फॉर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, बेस्ट प्रोसेस है आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए, सपोज करिए आपको एक्सटी और एचटी फिगर के फॉर्म में गिवन है। एक्सटी आपको गिवन है 0 से 6 और एम्पलीट्यूड है आपका 20, और एचटी आपको गिवन है 0 से 6 अगेन और एम्पलीट्यूड है आपका 10। ओके, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपको एक्सटी और एचटी यहां पर गिवन है। नाउ हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट वाईटी। तो हमें पता है कि अगर एक्सटी और एचटी गिवन हो तो वाईटी क्या होता है, एक्सटी कॉन्वॉल्व विथ एचटी। तो हमें ये समझना होगा कि यहां पर आपका एक्सटी और एचटी दोनों ही आपके फिगर के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले आप इस फिगर को रिप्रेजेंट कर लीजिए इक्वेशन के फॉर्म में। हमें पता है रेक्टेंगल या स्क्वायर वेव को हमेशा हम यूटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप भूल गए हैं इस कंसेप्ट को तो आप पहले उन वीडियोस को रिफर कर लीजिए। ओके, यहां मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख रहा हूं। तो एक्सटी क्या हो जाएगा आपका, एक्सटी हो जाएगा हमारा 20 यूटी। ओके, एम्पलीट्यूड 20 है, स्टार्ट कहां से है, टी इक्वल टू 0 माइनस 20 UT - 6। ओके, लास्ट पॉइंट क्या था आपका, टी इक्वल टू 6। सेम आपका HT क्या हो जाएगा, HT हो जाएगा आपका 10 UT - 10 UT - 6। ओके, तो यहां से हमारा XT और HT निकल आया। अब अगर मैं इस XT और HT को कॉन्वोल्यूशन करूं तो हम देख सकते हैं कि XT और HT दोनों ही UT के फॉर्म में हैं। तो अगर मैं किसी एक को डिफरेंशिएशन कर लूं तो एक आपका डेल्टा में चेंज हो जाएगा, और डेल्टा के साथ कॉन्वोल्यूशन करना बहुत इजी होता है, ये हमने लास्ट 2 एग्जांपल में देख लिया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डायरेक्टली ले रहा हूं dyt/dt और मैं ht को डेल्टा में चेंज कर रहा हूं, ht को डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो 20 UT - 20 UT - 6 कॉन्वोल्यूशन विथ 10 ∆t, क्योंकि मैंने ht का डिफरेंशिएशन कर दिया है। और आपको पता है जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको u की जगह del यूज करना है, बाकी सब कुछ आपका एज इट इज रहेगा, वही शिफ्टिंग, वही स्केलिंग, एवरीथिंग विल बी सेम, बस आपको क्या करना है, u की जगह del। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 20 UT का 10 ∆t और 10 ∆t - 6 के साथ होगा, फिर 20 UT - 6 का भी इन दोनों के साथ होगा कॉन्वोल्यूशन। तो 20 UT कॉन्वोल्यूशन विथ 10 ∆t कितना हो जाएगा, 200 UT, जितनी शिफ्टिंग है, यहां कोई शिफ्टिंग थी नहीं। सेकंड क्या हो जाएगा, -200, जब आप 20 UT का 10 ∆t - 6 के साथ करेंगे तो UT - 6, देन नेक्स्ट हो जाएगा -200, अगेन देखिए टोटल शिफ्टिंग कितनी है, UT - 6, और लास्ट क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 200, टोटल शिफ्टिंग है -6 - 6 - 12 UT - 12। ओके, क्लियर है अच्छे से। अब आपको पता है कि ये जो आंसर आया है आपका वो dyt/dt का आया है,
आपको एक्चुअल में चाहिए yt, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होगा, और ut का इंटीग्रेशन हमें पता है रैंप होता है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो yt कितना हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए आप 200 ut मतलब बन जाएगा 200 rt, ओके, माइनस अगला क्या है 400 माइनस 400 rt माइनस 6 प्लस लास्ट क्या है आपका 200 rt माइनस 12, ये बन गया आपका yt। क्लियर है अच्छे से? तो अब अगर मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ऑलरेडी ये ड्रॉ करना हम सीख चुके हैं फर्स्ट क्लास में, तो yt क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका जो yt का इक्वेशन है वो आपका rt के फॉर्म में है, रैम के फॉर्म में है, और रैम के सामने जो होता है वो उसका स्लोप होता है, ठीक है ना, मतलब 200 400 200, ये उसकी स्लोप्स हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 0, तो यहां से स्टार्ट होगा, स्लोप क्या है 200, फिर t इक्वल टू 6 अगला पॉइंट है, वहां पर आपकी स्लोप माइनस 400 ऐड हो रही है, तो अभी आप 200 पे हैं, अगर 200 पे माइनस 400 किया जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस 200, तो ये स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी माइनस 200 की, किस पे आ गया, t इक्वल टू 6 पे आपने ऐड किया था ये। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या है, t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 12 पे आप प्लस 200 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी आप माइनस 200 पे हैं, t इक्वल टू अगर 12 पे जाएं तो आप प्लस 200 करते हैं, मतलब स्लोप क्या हो जाएगी आपकी 0। क्लियर है अच्छे से? तो जब भी रैम के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया हो आपको स्लोप के टर्म में सोचना है, पहली स्लोप थी 200, देन थी माइनस 400, देन थी प्लस 200, ओवरऑल स्लोप देख लीजिए 0 हो गई लास्ट पे। तो यहां पर आपका एक ट्रायंगुलर बन गया, ठीक है ना, ट्रायंगुलर फंक्शन बन गया आपका। तो यहां पर मैं चाहूं तो ये एम्पलीट्यूड जो है पीक पर वो भी कैलकुलेट कर सकता हूं, हमें स्लोप पता है, ठीक है, तो अगर आप देखें ये पॉइंट क्या है 0, 0, ये पॉइंट क्या है आपका 6, y2, मुझे नहीं पता है इसलिए से मैं y2 ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस 0, x2 माइनस x1, 6 माइनस 0, स्लोप कितनी है आपकी 200, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1200। तो यहां पर हमें एम्पलीट्यूड पता चल गया है 1200। क्लियर है अच्छे से? तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन था हमको दो रेक्टेंगल गिवन थे, इन दो रेक्टेंगल का हमें कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना था, तो कॉन्वोल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिला, एक ट्रायंगुलर फंक्शन मिला। तो एक्चुअल में ना ये स्टैंडर्ड आंसर है, इसे आप चाहे तो अपने माइंड में रख भी सकते हैं कि जब भी आप दो रेक्टेंगल का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो हमेशा ट्रायंगुलर मिलता है, जहां पर आप देखिए जो रेक्टेंगुलर की जो दोनों लोअर लिमिट है टी की वो कितनी है 0, 0, अपर लिमिट कितनी है 6, 6। तो करना क्या होता है आपको, जो आपका ट्रायंगुलर है ना उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो दोनों रेक्टेंगल के लोअर लिमिट का एडिशन होगी, 0 + 0, 0, सेम जो अपर लिमिट होगी वो दोनों रेक्टेंगल के अपर लिमिट का एडिशन होगी, 6 + 6, 12, ओके। तो ये एक ट्रिक है बेसिकली, आप इसे ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस पे जो आपकी yt की लोअर लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, आपके लोअर लिमिट, ओके, लोअर लिमिट ऑफ xt प्लस लोअर लिमिट ऑफ ht, ठीक है। उसी तरीके से yt की जो अपर लिमिट होगी आपकी वो किसके इक्वल होगी, आपकी अपर लिमिट ऑफ xt प्लस अपर लिमिट ऑफ ht, ओके। उसी तरीके से जो आपका yt का जो स्लोप होगा, जो ट्रायंगुलर फंक्शन आपने बनाया है उसकी जो स्लोप होगी, यहां पर देखिए 200 है, यहां पर देखिए रेक्टेंगल को दोनों, एक एम्पलीट्यूड है 20, एक एम्पलीट्यूड है 10, तो दोनों रेक्टेंगल के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होगा आपका yt का स्लोप, ओके। तो यहां पर जो आपकी स्लोप होगी वो एम्पलीट्यूड ऑफ xt मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ht होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट
जो आपका ट्रायंगुलर फंक्शन बनेगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो कितना है यहां पे 1200 है। देखिए यहां पर आप जो दोनों रेक्टेंगल हैं आपके, जो दोनों का एम्पलीट्यूड है वो 20 है और एक 10 है, तो 20 इंटू 10 क्या होगा 200, और दोनों रेक्टेंगल की विथ देखिए कितनी है 6, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 0 6, तो दोनों रेक्टेंगल की विथ सेम थी आपकी, तो 200 इंटू 6 कितना हो गया 1200। मतलब जो आपका ट्रायंगुलर बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम वो क्या होगा, उसकी स्लोप, ठीक है ना, मतलब एच टी और एच टी के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉमन विथ, मतलब दोनों की विथ आपकी सेम रहेगी जो कि यहां पर 6 थी, तो कॉमन विथ से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, लेकिन ये ट्रिक जो है या जो आपका ट्रायंगुलर फंक्शन बना है वो कब बनेगा, ध्यान रखिएगा जब एच टी और एच टी दोनों की विथ सेम हो। जैसे इस क्वेश्चन में एच टी और एच टी दोनों की विथ क्या थी आपकी 6 थी, ओके। तो यहां पर एक और एग्जाम्पल मैं इसी टॉपिक में आपको दे रहा हूं अभी, इसी ट्रायंगुलर फंक्शन वाले कंसेप्ट पे। मान लीजिए आपका एच टी कुछ ऐसा बना हुआ है इस तरीके से माइनस वन से लेकर 6 तक, ओके, और इसका एम्पलीट्यूड है आपका 20, और आपका जो एच टी है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मान लीजिए माइनस 3 से लेकर 4 तक, ओके, और इसका एम्पलीट्यूड है 10, तो क्या ये ट्रायंगुलर बनेगा इसका कॉन्वोल्यूशन? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका दोनों की लिमिट सेम पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रही है और सेम पोजीशन पे एंड नहीं हो रही है, ऐसा नहीं देखना है। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इसलिए समझाने के लिए दिया है कि पोजीशन स्टार्टिंग एंडिंग दोनों की अलग अलग हो सकती है, दोनों की स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट अलग अलग हो सकती है, मेन क्या सेम होना चाहिए दोनों की विथ। तो क्या यहां पर दोनों की विथ सेम है? देखिए एच टी की विथ कितनी है 6 माइनस माइनस 1 7, और एच टी की विथ कितनी है 4 माइनस ऑफ माइनस 3 7, दोनों की विथ क्या है 7 है, तो दोनों की विथ सेम है। मतलब जो दोनों का कॉन्वोल्यूशन आप करेंगे तो हमेशा आपको ट्रायंगुलर ही बनेगा। कैसे, देखिए आप क्या बनेगा आपका फिगर, मान लीजिए ये आपका वाई टी बन गया, ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से लोअर लिमिट क्या है दोनों की माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस फोर हो जाएगा, तो ये स्टार्ट होगा आपका माइनस फोर से। अब देखिए अपर लिमिट क्या है 6 प्लस 4 10, तो ये जाएगा आपका पूरा का पूरा 10 तक, ओके, तो ये आपका चल जाएगा माइनस 4 से लेकर 10 तक। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब आप देखिए एम्पलीट्यूड कितना है एच टी का 20, एच टी का कितना है 10, तो मैंने क्या सिखाया है स्लोप क्या होगी एच टी और एच टी के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन 200, और ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगी माइनस 200। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि दोनों एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉमन विथ, क्या है कॉमन विथ 7, तो वो हो जाएगा आपका वाई टी का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा आपका 200 इंटू 7 1400। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका बन गया वाई टी। नाउ अब अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट आपको दिमाग में जरूर रखना है कि इसका सेंटर पॉइंट होगा वही पीक होगा ना, ठीक है ना, ये आपका जो टी की वैल्यू है माइनस फोर से टेन है, तो माइनस फोर से टेन के बीच में आपका जो सेंटर पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो माइनस फोर से टेन के बीच में सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपका 3, तो ये 3 पर मैक्सिमम होगा, मतलब 3 के लेफ्ट में जितना जाएगा 3 के राइट में भी उतना जाएगा। आप देख सकते हैं 3 टू 10 गैप कितने का है 7 का, और 3 टू माइनस 4 गैप कितने का है 7 का, तो ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका बन गया वाई टी, ठीक है। तो आज से आपको ध्यान रखना है जब भी आपके दो रेक्टेंगल दिए हों और अगर आपकी दोनों की विथ सेम है तो हमेशा उनका कॉन्वोल्यूशन जो होगा वो आपका क्या होगा ट्रायंगुलर ही होगा, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और एग्जांपल आप देखिए और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको एक एक्स टी दिया हुआ है
जिसकी विथ है 2, ओके, तो ये है 0 से 2, एम्पलीट्यूड है आपका 30, और एक आपको दिया हुआ है HT, जिसकी विथ है आपकी 0 से 3, और एम्पलीट्यूड है आपका 10. अब हमें इनका कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है. तो अभी तक जो हमने एग्जांपल देखे हैं, लास्ट दो एग्जांपल जो हमने कंसीडर किए हैं, उसमें दोनों XT और HT की विथ सेम थी. यहां पर दोनों की विथ अब डिफरेंट है, तो कैसा आपका फिगर बनेगा YT का, ये हम एनालिसिस अब करते हैं. ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं यहां रिप्रेजेंटेशन करूं सबसे पहले, तो XT कितना हो जाएगा आपका, आप देखिए क्या होगा, 30 है एम्पलीट्यूड, एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 2, तो ये हो जाएगा आपका 30UT माइनस 30UT माइनस 2. HT की अगर बात करें तो HT क्या हो जाएगा, 10UT माइनस 10UT माइनस 3, तो ये बन गया 10UT माइनस 10UT माइनस 3. ओके, तो ये हो गया आपका XT एंड HT. अब अगर आप देखें इसको ध्यान से, YT जो होगा वो क्या हो जाएगा, XT कॉन्वोल्यूशन विथ HT. हमें पता है कि XT और HT दोनों आपके स्टेप फंक्शन के फॉर्म में है, तो हम किसी का भी डिफरेंशिएशन करके उसे डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं यहां पर HT का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dYT by dt. ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, XT as it is हो जाएगा, 30UT माइनस 30UT माइनस 2. ठीक है, कॉन्वॉल्ड विथ ये हो जाएगा 10 ΔT माइनस 10 ΔT माइनस 3. ओके, क्लियर है अच्छे से. अब अगर मैं कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करूं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 300UT, देन माइनस 300UT माइनस 3, देन अगेन माइनस 300UT माइनस 2, एंड लास्ट क्या हो जाएगा, प्लस 300UT माइनस 5. क्लियर है अच्छे से, सेम प्रोसीजर है बट फिगर का शेप आपका अलग होगा. ये बन गया आपका dYT अपॉन dt. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली yt चाहिए. तो हमें पता है कि ut का इंटीग्रेशन क्या होता है, rt, तो हम इसे लिख लेते हैं. अब तो आपका जो yt है वो बन जाएगा आपका, फर्स्ट क्या हो जाएगा आप देखिए, 300 rt, देन माइनस 300 rt माइनस 2. हम t माइनस 2 वाले पॉइंट को पहले लिख लेते हैं, t इक्वल टू 2 पहले आएगा, t इक्वल टू 3 से, माइनस 300 rt माइनस 3, और लास्ट में क्या है, प्लस 300 rt माइनस 5. ओके, क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर अब आप देखिए, ये आपका yt आ गया. अब अगर मैं इसे ड्रॉ करूं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए yt. ओके, तो यहां पर पहला पॉइंट क्या है आपका, t इक्वल टू 0, स्लोप क्या है हमारी, 300. ठीक है, तो हमने बना दिया. अगला पॉइंट क्या है आपका, t इक्वल टू 2, स्लोप क्या है, माइनस 300. तो 300 माइनस 300 क्या हो जाएगा, 0 t इक्वल टू 2 पर. अगला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 3 तक आप जाइए. ठीक है ना, ये t इक्वल टू 2 पर हुआ था आपका. अब t इक्वल टू 3 पर देखिए, वापस से माइनस 300 है, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे आप. ओके, नेक्स्ट क्या है, t इक्वल टू 5 पे क्या है, प्लस 300, मतलब माइनस 300 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 0 t इक्वल टू 5 पर. ओके, क्लियर है अच्छे से. तो आप देख सकते हैं लास्ट स्लोप क्या आई आपकी, 0. आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 300 माइनस 300 0, माइनस 300 प्लस 300 0, तो t इक्वल टू 5 पे फाइनली आपकी 0 ही आनी चाहिए थी. क्लियर है अच्छे से. अब यहां पर अगर मैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लूं, तो एक पॉइंट क्या है, 0, 0, और इस लाइन का दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, y2. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये, y2 माइनस 0, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, x2 माइनस x1. स्लोप क्या है, 300.
तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 600। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका आ जाएगा y2, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब आपके xt और ht दोनों की विथ अलग अलग थी तो आपका ट्रायंगुलर फंक्शन नहीं बना यहां पर। ये जो फंक्शन यहां पर बना है उसे हम कहते हैं ट्रेपोजेडियल, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ट्रेपोजेडियल वेव फॉर्म बन गई है, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म नहीं बनी। पर यहां पर भी आपकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको दिमाग में रखनी है। जैसे कि देखिए xt और ht दोनों की विथ अलग अलग थी तो ऑलवेज ट्रेपोजेडियल बनेगा, और ट्रेपोजेडियल की जो लोअर लिमिट होगी वो दोनों की लोअर लिमिट का एडिशन होगी, ट्रेपोजेडियल की जो अपर लिमिट होगी वो दोनों की अपर लिमिट का एडिशन होगी। देख लीजिए 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 3 5, तो यही आया था। यस 0 टू 5 है हमारा फंक्शन। नाउ ट्रेपोजेडियल में जो स्लोप होगी वो हमेशा आपके दोनों xt और ht के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होगी, दैट इज 30 × 10 = 300। देख लीजिए यहां पर आपकी स्लोप कितनी आई थी 300। नाउ ट्रेपोजेडियल का जो एम्पलीट्यूड होगा जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 600 आया है, वो क्या होगा, दोनों xt और ht के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 30 × 10 = 300 इंटू स्मॉलर विथ। तो एक xt की विथ है 2 और ht की विथ है 3, तो स्मॉलर कौन सी है, 2 है ना, तो 300 × 2 कितना आ गया आंसर 600, वही आया था हमारा। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रिक भी दिमाग में रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको वापस से सॉल्व करने की नीड नहीं है। ओके क्लियर है अच्छे से? नाउ अब हम लोग ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ गए हैं कि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आपको तब यूज करनी है जब एक फंक्शन क्या हो आपका यूटी हो। तो ऑलवेज आप क्या करिए, यूटी का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डेल्टा टी आ जाएगा और आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं इस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के लिए, आप देखिए किस तरीके से होगा आपका। देखिए मान लीजिए आपको यहां पर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है वाई टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी कॉन्वॉल्व विथ आर टी। ओके तो यहां पर आप देखिए जो वाई टी है आपका उसमें एक तो e की पावर माइनस ए टी यू टी है जिसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक है आपका आर टी। हमें एक बात आप समझ में आ गई होगी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कि अगर हम लोग डेल्टा टी क्रिएट कर लेना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि डेल्टा टी का कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बहुत आसान है। तो हमें पता है कि आर टी का डिफरेंशिएशन होता है यूटी, यूटी का डिफरेंशिएशन होता है डेल्टा टी। तो यहां पर अगर हम दो बार डिफरेंशिएशन कर देते आर टी का तो हमें डेल्टा टी मिल जाता, इसके कारण से हमें वाई टी को भी डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता। क्लियर है अच्छे से? तो कई बार डबल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ सकता है, उसके लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए एक बार अगर डेल्टा टी आ गया तो आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये आपका डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर का आंसर जो है वो आ जाएगा ई की पावर माइनस ए टी यू टी। ओके नाउ अब अगर मैं इसे एक बार इंटीग्रेट करूं तो डी वाई टी बाय डी टी ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर यूटी से मल्टीप्लाइड है तो लोअर लिमिट आपकी जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से टी ई की पावर माइनस ए टी। ओके और साथ में आपका क्या हो जाएगा यहां पर डी टी, ठीक है। तो अगर हम इसका अब इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लें तो हमें यहां पर डी वाई टी बाय डी टी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ई की पावर माइनस ए टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय माइनस ए, जीरो से टी आपकी लिमिट्स है, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए डी वाई टी बाय डी टी, ठीक है। अब आप देखिए चूंकि यहां माइनस ए है तो पहले मैं लोअर लिमिट पुट कर देता हूं, तो ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है ना, टी की जगह टी पुट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ए। तो अभी आपको कैलकुलेशन हुआ है डी वाई टी बाय डी टी का, लेकिन एक्चुअल में आपको कैलकुलेशन किसका करना है,
yt का, ओके तो अब आप देखिएगा ध्यान से, आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना होगा, अपर लिमिट आपकी t होगी, लेकिन लोअर लिमिट क्या होगी, यहां पर एक्चुअल में गलतियां हो जाती हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए जब आपने dyt by dt निकाला है, तो यहां पर देखिए जो लोअर लिमिट थी वो जीरो थी, मतलब dyt by dt जो है वो जीरो के पहले प्रेजेंट नहीं है आपका, ठीक है ना, मतलब ये जो फंक्शन आपने निकाला है 1 माइनस e की पावर माइनस at अपॉन a, वो कैसे निकाला, लोअर लिमिट जीरो पुट करके, मतलब ये फंक्शन जो है वो t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ही है, ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से, ये आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका जीरो एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन लिमिट क्या होगी जीरो से टी, ना कि माइनस इंफिनिटी से टी, ओके। अब आप देखिए अगर आप yt को आप सॉल्व करें, तो देखिए यहां पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, ठीक है, तो यहां पर आपका 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और a आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था पहले से, लिमिट क्या है आपकी 0 से t, क्लियर है ना, माइनस e की पावर माइनस at का क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस at डिवाइडेड बाय माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस at डिवाइडेड बाय a, और a के आपका पहले से था, तो a स्क्वायर, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t, क्लियर यहां तक अच्छे से। तो अब अगर मैं यहां पर yt को कैलकुलेट कर लूं, तो ये क्या आ जाएगा आपका t, ठीक है, अपॉन a, क्लियर है अच्छे से, यहां पर आप देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका प्लस e की पावर माइनस at, ओके, माइनस वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, क्लियर है, तो ये आपका अब आंसर यहां पर क्रिएट हो जाएगा वाई टी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वाई टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था वो ये समझ पाना था कि यहां पर यूटी नहीं था, अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखी है उसमें यूटी देखा है, तो यूटी को आपने डेल्टा टी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहां पर आपने अब क्या देख लिया है, यहां पर आपने देख लिया RT, तो RT को भी आप डेल्टा T में कन्वर्ट कर सकते हैं दो बार डिफरेंशिएशन परफॉर्म करके, ओके। तो यहां पर अगर आप देखें, हमने पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, हमें क्या मिला UT, फिर हमने दो बार किया, मिला डेल्टा T, फिर हमें दो बार क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन, ओके। तो दो बार इंटीग्रेशन कर लेने के बाद हमें फाइनली क्या मिल गया आपका YT, क्लियर अच्छे से। और ये जो आपको yt मिला है, आपको पता है आपने लोअर लिमिट क्या पुट की थी जीरो, तो आप चाहें तो ut से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर टू, इसमें आपको अब क्या देखना है, देखिए प्रॉपर्टी जो आपकी टू है कॉन्वोल्यूशन की, वो मैं लेने जा रहा हूं आपके लिए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज अगर आपका xt convolved with ht जो है वो अगर yt है, तो अगर आप टाइम में शिफ्ट करते हैं, जैसे सपोज करिए आप करते हैं xt minus t1 ht minus t2, तो आपका y भी जो है उतनी बार शिफ्ट हो जाएगा t minus t1 minus t2, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो आपने जितना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्टिंग की है, उतना ही आपका राइट हैंड साइड में भी शिफ्टिंग हो जाएगी, क्लियर। तो ये होता है आपका आउटपुट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो दिस इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए आप, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं ना डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में, वही एग्जांपल मैं आपको दोबारा दे रहा हूं। देखिए हमने जब xt लिया था यहां पर 0 से लेकर 6 तक 20, ठीक है, और ht हम लोगों ने लिया था 0 से लेकर 6 तक 10, ओके। तो xt और ht का हमने कॉन्वोल्यूशन किया था वाया यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो मैं अगर यहां पर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज देखूं, किस तरीके से हम कर सकते थे अगर हमें डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, तो देखिए अगर मैं यहां पर xt को रिप्रेजेंट करूं
तो हमने क्या लिखा था, 20 ut माइनस 20 ut माइनस 6, ओके। और अगर मैं ht को रिप्रेजेंट करूं तो 10 ut माइनस 10 ut माइनस 6, ओके। अब आप देखिए किस तरीके से हम लोग टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी की जगह टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक कॉन्वोल्यूशन पढ़ रखा है कि ut कॉन्वॉल्व विद ut क्या होता है, rt। पहला हमने क्वेश्चन यही देखा था आज की वीडियो में। तो देखिए अगर ut का कॉन्वोल्यूशन ut के साथ rt होता है, तो अगर मैं यहां पर शिफ्टिंग करूं t माइनस t1 करूं और सेकेंड वाली ut में t माइनस t2 करूं, तो जितनी शिफ्टिंग आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी उतनी ही शिफ्टिंग आपकी कहां हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर टी माइनस टी वन माइनस टी टू, ओके। तो अब आप देखिए अगर मैं यहां पर वाई टी निकालूं अब, ठीक है, तो वाई टी क्या है, 20 यू टी का कॉन्वोल्यूशन पहले इन दोनों के साथ होगा एच टी के दोनों टर्म्स के साथ, देन 20 यू टी माइनस 6 का होगा एच टी के दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 20 ut convolved with 10 ut, तो 20 into 10 तो 200 हो जाएगा। ut convolved with ut क्या होता है आपका, rt, ठीक है। अब देखिए 20 ut का convolution minus 10 ut minus 6 के साथ, तो minus 200, और ut convolved with ut minus 6, देख लीजिए shifting property लग गई, कितना हो जाएगा, rt minus 6, next minus 200, फिर से यू यू का आर होता है और शिफ्टिंग क्या है, टी माइनस सिक्स प्लस 200 आर, टोटल शिफ्टिंग क्या है, माइनस 12, तो टी माइनस 12। अगर आप चेक करेंगे प्रीवियस एग्जांपल्स में जाके तो ये सेम इक्वेशन आया है आपका, ठीक है ना। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, सारी ट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए हमें वरी नहीं करना। लेकिन देखिए प्रॉपर्टी हमने किस तरह से अप्लाई की, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल देना था, दैट्स इट। जैसे कि डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये प्रॉपर्टी उतनी यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम किस तरह से और कहां यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये है आपकी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इसे हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए एच टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी आपका है वाई टी, ओके। अब अगर मैं यहां पर एक्स ऑफ ए टी करूं कॉन्वॉल्व विथ एच ऑफ ए टी करूं, तो कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन मॉड ऑफ ए वाई ऑफ ए टी, ओके। क्लियर है अच्छे से, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी। लेकिन स्केलिंग प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है आपको कि x और h दोनों में a से स्केलिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तभी तक एप्लीकेबल है जब आपका x और h दोनों में सेम फैक्टर से स्केलिंग हो रही है, क्लियर है अच्छे से। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको यूजफुल हो सकती है क्वेश्चंस में। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगी, देखिए आप एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी जो है आपका वाई टी, अब अगर मैं यहां पर ए की जगह माइनस ए पुट कर दूं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में, या आप बोल सकते हैं ए की जगह मैं माइनस वन पुट कर दूं, एक्चुअल में मुझे माइनस तो पुट करना है लेकिन मैं माइनस वन पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी कॉन्वॉल्व विथ एच ऑफ माइनस टी, और ये क्या आ जाएगा आपका, वन अपॉन माइनस वन का मॉड, वन ही हो जाएगा, वाई ऑफ माइनस टी। मतलब क्या है इसका, कि अगर आपका एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी जो है वो वाई टी के इक्वल है, तो एक्स ऑफ माइनस टी कॉन्वॉल्व विथ एच ऑफ माइनस टी जो होगा वो आपका y ऑफ माइनस t के इक्वल हो जाएगा ऑलवेज, ओके। क्लियर है अच्छे से। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा और एनालिसिस करूं यहां पर, तो आप देखिए कुछ केसेस मैं आपको यहां पर अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं।
देखिए, मान लीजिए आपके पास है XT E1 सिग्नल एंड HT also E1 सिग्नल, ठीक है? मतलब जो आपके कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है XT और HT के बीच में, दोनों के दोनों सिग्नल आपके E1 हैं, तो हमें पता है कि YT क्या होता है आपका, XT convolved with HT, ये तो हमेशा ही होगा। और हमें ये भी पता है कि Y of minus T, प्रॉपर्टी से पता है ना टाइम रिवर्सल की, कि Y of minus T होता है X minus T convolved with H of minus T, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर देखूं, हमें पता है कि XT क्या है, E1 है, तो X of minus T किसके इक्वल होगा आपका, XT के। हमें पता है HT भी E1 है, तो H of minus T किसके इक्वल होगा, HT के। और ये था किसके इक्वल एक्चुअल में, Y of minus T के ना, मैं इसी इक्वेशन में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं सेकंड वाले में। तो देखिए अब जो Y of minus T है वो XT convolved with HT के इक्वल है, जो कि YT के इक्वल है, तो Y of minus T आपका YT के इक्वल प्रूफ हो गया। इसकी क्या मीनिंग है, इसकी ये मीनिंग है कि अगर XT और HT दोनों अगर आपके इवन हैं, तो YT भी क्या होगा आपका, इवन ही होगा, ठीक है ना? इसकी आपकी ये मीनिंग यहां पर प्रूफ होती है। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब अगर मैं यहां पर केस टू देखूं, केस टू, तो केस टू में आप देखिए, अगर यहां पर मैं ले लूं XT को ऑड, मतलब एक ऑड ले लेता हूं और HT को एक को इवन ले लेता हूं, ठीक है? एक ऑड है एक इवन है, इसका रिवर्स भी आप ले सकते हो, XT को इवन और HT को ऑड। अब देखिए फिर से, आपको पता है YT क्या है, XT convolved with HT है, और आपको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से ये भी पता है कि Y of minus T क्या है, X of minus T convolved with H of minus T, ठीक है? अब आप देखिए Y of minus T में देखिए, जो XT है आपका वो odd है, मतलब X of minus T क्या हो जाएगा, minus XT, और HT जो है वो even है, मतलब H of minus T क्या हो जाएगा, plus HT। तो यहां पर देखिए Y of minus T का जो equation है, minus sign outside है, और क्या बच रहा है, XT convolved with HT, जो कि क्या है आपका, YT है, मतलब Y of minus T बच गया minus YT, ओके? इसका मतलब क्या है, कि जो YT है आपका वो odd है यहां पर, मतलब अगर आपका XT या HT दोनों में से कोई भी एक odd हो गया और दूसरा even रहे अगर, तो हमेशा YT आपका odd रहेगा। देख सकते हैं आप, एक extra minus sign common आ जाएगा किसी एक के odd होने के कारण। क्लियर है अच्छे से? तो ये सेकंड कंक्लूजन है आपका कि XT HT में से अगर कोई भी एक ऑड है और एक इवन है, तो YT हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। एक्चुअल में ये आपके जो मैं केसेस आपको समझा रहा हूं अभी, ये आपके आंसर को, ऑप्शन को चेक करने के काम भी आ सकते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया है जहां पर XT और HT दोनों के दोनों आपके इवन है, मान लीजिए, तो चार ऑप्शन दिए हैं YT के लिए, अगर दो ऑप्शन में YT इवन है और दो ऑप्शन में ऑड है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर XT और HT दोनों इवन है तो YT भी इवन होगा, तो जिन दो ऑप्शन में YT ऑड आ रहा है वो दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, उन दो ऑप्शन में से आंसर नहीं होगा, फिर आपको सिर्फ बाकी के दो ऑप्शन में फोकस रखना होगा। क्लियर है? तो ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज हमें आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है? अब केस थ्री देखिए, इसमें मान लीजिए आप कि XT ऑड है और HT भी ऑड है, तो इस केस पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है YT क्या होता है आपका, XT convolved with HT, तो आपका Y of minus T भी आपको पता है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से, X of minus T convolved with H of minus T, तो Y of minus T जो है आपका, अब आप देखिए XT आपका ऑड है तो माइनस कॉमन आ जाएगा यहां से XT, और HT आपका ऑड है तो फिर से माइनस कॉमन आएगा HT, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, दो माइनस हो गए ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो Y ऑफ माइनस T, अब आप देखिए प्लस XT convolved with HT, जो कि किसके इक्वल है,
वाई टी के, तो y ऑफ माइनस t इक्वल हो जाएगा वाई टी के। तो यहां पर वाई टी क्या हो गया आपका इवन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके एक्स टी और एच टी दोनों ही ऑड हैं तब भी वाई टी इवन होगा, और एक्स टी और एच टी दोनों इवन हैं तब भी वाई टी क्या होगा इवन होगा, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक ऑड और एक इवन है तो वाई टी आपका ऑड हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी थी टाइम रिवर्सल वाली, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो ये प्रॉपर्टी आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको कोई एक आंसर गिवन होगा या आपको कोई एक आंसर पता होगा और उसी आंसर में आपका टी की जगह माइनस टी पुट करने पर आपको आंसर पूछा गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। जैसे कि सपोज करिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है एक्स टी आपको गिवन है e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी और एच टी आपको गिवन है u ऑफ माइनस टी। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन किया हुआ है e की पावर माइनस ए टी यू टी और यू टी के लिए। अब देखिए दोनों में t की जगह माइनस टी पुट हो गया, तो इसका जो आंसर आपने लिखा हुआ है, हमने इसी वीडियो में किया है ना ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ था 1 माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय ए इंटू यू टी। ओके, ये आंसर था आपका ई की पावर माइनस ए टी यू टी और यू टी का, लेकिन आपने टी की जगह माइनस टी लिखा है, तो आप प्रॉपर्टी से देख सकते हैं कि वाई टी में भी टी की जगह क्या हो जाएगा माइनस टी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो ये प्रॉपर्टी तभी आपके काम आएगी जब आपको t की जगह माइनस t वाला क्वेश्चन पूछा होगा और आपको t वाला आंसर पता होगा या t वाला आंसर आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली, तब ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत यूजफुल है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, आप समझ चुके होंगे उन प्रॉपर्टी को अभी तक के, लेकिन मैं आपको इन प्रॉपर्टी का ब्रीफ में एनालिसिस फिर भी करवा देता हूं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसकी क्या मीनिंग है कि जो आपका कॉन्वोल्यूशन है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर वाई टी जो है वो एक्स टी कॉन्वॉल्व विद एच टी है तो yt आपका ht convolved with xt भी होगा। मतलब xt और ht के सीक्वेंस में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। हमने जो स्टार्ट में फॉर्मूला भी देखा है उसमें x tau h of t minus tau किया था एक बार, और एक बार किया था x of t minus tau h tau। तो xt और ht की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्वोल्यूशन में। तो ये होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें ऑलरेडी पता है लेकिन हम फिर भी ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे, वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या होगी आपकी, देखिए जैसे मान लीजिए आपको वाई टी गिवन है यहां पर एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच वन टी कॉन्वॉल्व विथ एच टू टी। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं, वाई टी को ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच वन टी, देन उसके आंसर का कॉन्वोल्यूशन कर दीजिए एच टू टी के साथ, या आप ऐसा भी कर सकते हैं एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच वन टी कॉन्वॉल्व विथ एच टू टी। मतलब पहले आप एच वन टी एच टू टी का कॉन्वोल्यूशन कर लीजिए, उसके आंसर को कॉन्वोल्यूशन कर लीजिए एक्स टी के साथ। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि पहले किसी दो का कर लीजिए उसके आंसर को थर्ड वाले के साथ कर लीजिए, ठीक है ना। नाउ एक और प्रॉपर्टी हम ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी, मान लीजिए आपका वाई टी जो है वो है एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच वन टी प्लस एच टू टी। ठीक है, ये भी आप ऑलरेडी इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। तो वाई टी क्या हो जाएगा आपका एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच वन टी प्लस
XT convolved with H2T. क्लियर है अच्छे से? तो ये हो गया आपका YT, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है? क्लियर है अच्छे से? तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड की है यहां पर, ठीक है? और इसके अलावा हमने जो न्यूमेरिकल्स देखे हैं इस वीडियो में वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? अगर इसमें से किसी भी कांसेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि एलटीआई जो सिस्टम है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलटीआई कंटीन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे अभी। ओके, गुड बाय।